नमो नोई सौरियंताणम नमो नोई सौदानम नमो नोई सौवायरियां नमो नोई सौजयनम नमो नोई सौत्रिकावती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिन कामद मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोहि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगलम नमस्कार समय था मौत रहा था तीजो उपाधि आपसे छिले एम आयूंगा आखिर में कुंभार घरे का उत्पादक है ही नहीं कुंभार घड़े का उत्पादक है ही नहीं क्यों कि मिट्टी कुम्हार को पोसती नहीं मिट्टी कुम्हार को छूती नहीं मिट्टी अपने से घड़ा रूप परिणमन होता है कुम्हार से घड़ा होता है ऐसा है नहीं। हाँ हाँ बात है कपड़ा वनकर से होता नहीं वनकर कपड़ा बनते हैं कहीं वनकर से कपड़ा बनते नहीं कपड़ा अपना परिणाम से परिणमन करते कपड़ा उत्पन्न होता है। हा ये तो दृष्टांत दिया। इसी प्रकार दृष्टांत दिया कुंभार का इसी प्रकार सभी द्रव्य अनुपात है उसका सभी द्रव्य स्व परिणाम पर्याय से अपने परिणाम पर्याय से उत्पन्न होते हैं। वाणी भी वाणी की पर्याय से उत्पन्न होती है आत्मा से वाणी निकलती नहीं और शरीर चलते हैं ये अपनी पर्याय से चलते हैं आत्मा से नहीं चलते। अरे बात पानी को तिशावक किए तो पानी को छूते नहीं आत्मा कलसा को वासन को छूते नहीं अने पानी अपने गला को भी छूते नहीं सब द्रव्य आएगा ना मूल पाठ है अनद्रव्यन अद्रव्यन न उपाओ अंद्र न माटे सर्व द्रव्य न सर्व द्रव्य का परिणाम अपने से उत्पन्न होता है। दुनिया क्या रे आप माने कोई पण पदार्थ अपने से उत्पन्न होता है पर्याय में पर से उत्पन्न होता नहीं। कपड़ा वन करे बनाया नहीं और ये कपड़ा अपनी पर्याय से उत्पन्न होकर यहाँ आया है। आत्मा कपड़ा पहनते नहीं ना आत्मा कपड़ा को उतारते नहीं। ये प्रश्न चला था चांद मुंडी आ रही है बहुत वर्ष कर रहे इनके भगवान जा रहे कपड़ा उतारते हैं तो मुनि होते हैं किन्तु कपड़ा उतारते ही आत्मा उतारते हैं ही नहीं कपड़ा अपने से उतरते हैं आत्मा को तो निमित्त कहने में आता है निमित्त पर को कुछ करते नहीं कुछ चांद मुंडी थे ना उदयपुर उदयपुर आए थे ब्रह्मचर्माश्रम में रहते थे ब्रह्मचराश्रम में क्या कपड़ा उतारते भगवान दीक्षा लेते तो कपड़ा उतारते हैं नंग होते हैं तो किन्तु ऐसे हुए नहीं
कपड़ा की पर्याय अपने से या नीचे उतरती है, हाथ भी कपड़ा को छूते नहीं अने कपड़ा को आत्मा छूते नहीं, आत्मा कपड़ा को छूते नहीं, कपड़ा उसके उतरने के लायक से अपनी पर्याय से उतरते हैं। पंडित जी अभी बात से अब दरेक पदार्थ इसी प्रकार सभी द्रव्य, कुम्भार का दृष्टांत दिया कि कुम्भार घड़ा का उत्पादक है ही नहीं, क्योंकि घड़ा की उत्पत्ति मिट्टी के स्वभाव से घड़ा कुम्भार को स्पर्श बिना, कुम्भार को स्पर्श छुए बिना अपनी पर्याय से घड़ा उत्पन्न होता है। हा 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 हा, दुनिया की अभिवृद्ध से समझ में आया। खाने पान पीने क्या चीज है, पर सभी द्रव्य आया ना, तो खाने पीने की चीज भी आत्मा खा सकते है, आत्मा ले सकते है, कि आत्मा बना सकते है रोटी रोटो चूरमा। हाँ हाँ, ये कभी होता नहीं। पेट में पी रहे उत्पन्न होती है उससे, लोग को कहते हैं कोई दांत चावी क्या खाना, पेट में दांत नहीं है चावी नमाकर खाना, भूखा कर का खाना, क्योंकि पेट में दांत नहीं, सब झूठ बात है। प्रत्येक परमाणु प्रत्येक द्रव्य घड़ा का दृष्टांत दिया, घड़ा का उत्पादक कुम्भार नहीं अने माटी कुम्भार को स्पर्शती नहीं, तो सब द्रव्य कुम्भार नहीं बैठे मीट घड़ा की बैठे सब द्रव्य एक बार दिया मुंह पाठ है न मुंह पाठ है सौ दवा तमाओ सब दवा। आत्मा पानी पी सकते नहीं, आत्मा आहार कर सकते नहीं, आत्मा आहार बना सकते नहीं, आत्मा पानी छोड़ सकते नहीं, आत्मा कुएं में से पानी निकाल सकते नहीं। मकान बनाने वाला मकान उससे बना है रहे नहीं, मकान तो अपनी पर्याय से उत्पन्न ही है। देखो सभी द्रव्य स्वपरिणाम पर्याय से, स्वपरिणाम पर्याय से वेश बन गया है, अपना बदलती परिणाम की पर्याय से है, बस ऐसा है। देखो अभिमान अभिमान निकलूं आखों काम से। आत्मा पुस्तक बना सकते नहीं, आत्मा ये अक्षर लिख सकते नहीं, अक्षर में तो अनंत परमाणु है, एक अ क ख अनंत परमाणु का पिंड है, तो उसमें से एक एक परमाणु अपनी पर्याय से स्वतंत्र परमते हैं, दूसरा परमाणु से भी नहीं तो पची दूसरा आत्मा से है ये अक्षर बनते हैं, ऐसा है नहीं। लिख सकते ही नहीं ने। लिखने की क्रिया घर की होनी तो हो तो हो, आत्मा कर सकते हैं ये बात है नहीं, ये माटी दंडस्थान दिया है। जाने से कुछ कार्य की सिद्धि कैसे होगी, क्या ऐसा विचार करने से किसी भी कार्य की सिद्धि कैसे होगी, सिद्धि भी कैसे अपने अपने में हाथ करते पर कहां का उठ जाता है, ऐसा विचार करने से पर का मैं काम कर सकता हूँ ऐसा अहंकार उठ जाता है, और मैं ज्ञान मूर्ति हूँ जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसी प्रतीति उत्पन्न होती है, तत्संग दर्शन उत्पन्न होता है, धर्म की पहली सिद्धि। क्या पुरुषार्थ पद में बिल्कुल काम करते नहीं, पुरुषार्थ अपने काम करते अपने में,
ये तुम चलते हैं, राग द्वेष करते हैं, ये अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं। और राग द्वेष का नाश भी अपने से होता है, कर्म का अभाव हो तो राग द्वेष का अभाव हो, ऐसा है नहीं। अभी बात है भाई, जगत की हूं तुमसे। सभी द्रव्य उस कुम्भार का तो दर्शन लिया, कुम्भार को मिट्टी स्पर्शती नहीं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य छूते नहीं। आया नहीं प्रश्न? आया है, कुम्भार को मिट्टी छूती नहीं। तीन रात में आया है, एक पन पदार्थ सर्व जितना पदार्थ भगवान ने देखा है आनंद, ये पदार्थ में जो अपनी शक्ति गुण पर्याय है उसको चुंबते हैं, उसको छूते हैं, अपने को छोड़कर दूसरा द्रव को छूते नहीं, चुंबते नहीं, स्पर्श नहीं करते हैं। शरीर ऊपर हाथ फिरना ये आत्मा का सकते नहीं हम कहते हैं। जब बात है भाई, प्रत्येक पदार्थ अपना स्व परिणाम पर्याय से है, अपना परिणाम की पर्याय से है। आप एक दृष्टांत दिया कुंभार का, घरा का, लिपिकार लिपि बना सकते नहीं, अक्षर बना सकते नहीं, पुस्तक आत्मा बना सकते नहीं। पुस्तक से अपने में ज्ञान होता नहीं, क्योंकि ज्ञान उसको छूते नहीं और वो अपने ज्ञान की पर्याय को छूते नहीं। ऐसी बात आकर्षण है राजीवन। ये बात तो हमारे मोते से चलती है, मोते मोते कितना वर्ष हुआ, 64 वर्ष पहले से चलती है बात, संप्रदाय में है, थे ना उसमें आनंद काशी में, सबसे हम तो क्या कहते हैं, कोई द्रव्य का कोई द्रव्य कुछ कर सकते नहीं। तो को नहीं बेचते थे, विरोध भी करते थे, कहा कर सके, क्या हला है तेरे, खबर क्या है, ये जड़ की पर्याय वो पैसा बह लिया है कि कुम्भार घड़ा को उत्पाद करना ही, क्यों कि मिट्टी अपने स्वभाव से घड़े बनने का स्वभाव से बनती है और कुम्भार को छूती है नहीं। इसी प्रकार ये दृष्टांत से सब द्रव्य क्यों बाकी है रमा देवीला जी, चश्मा को आत्मा छूते नहीं और चश्मा नाक ऊपर रहा है नहीं, चश्मा अपने अपने में रहा है, क्योंकि अपने परमाणु अनंत परमाणु का पिंड है वो, और एक एक परमाणु में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण यही सब शक्ति का पिंड है। प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक द्रव्य कर्ता अपने पर्याय का कर्ता, अपना पर्याय का कार्य, अपना पर्याय का साधन, अपना पर्याय करके रखना, अपने से पर्याय से उत्पन्न होना, पर्याय का आधार से पर्याय उत्पन्न होती है। कभी सुना नहीं ऐसी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, बात समझ में आया, कब तुम पीछे आई गया आया, इतने हिंदी ना हिंदी चलते पीछे आया, पहला ही शोर तो हो गया ना गुजरा देखी। विजय यो विजय है, है? है?
नहीं नितिन ठेठिया कीर्तन ठेठिया के विजय आया है गया लगे गया हाँ हाँ सुन रहा है समझने वाला तो टिकता है कायम रहता है जानने वाला कायम पनी जानता जानता जानना वाला ये कायम टिकते आत्मा पर जान कर टिकते हैं अने परद्रव्य अपनी पर्याय करके टिकते हैं क्या क्या फिर आत्मा जानम करके टिकते हैं जानना 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 करके नित रहते हैं और पर पदार्थ अपनी पर्याय करके रहते हैं कोई कोई की पर्याय कोई की अवस्था कोई की दशा कोई द्रव का कोई कारण दूसरा द्रव तरण कारण कर सकते नहीं कोई द्रव का कार्य कहो पर्याय कहो परिणाम कहो अवस्था कहो तो कोई द्रव का कार्य हो पगाए तो जो आपते नहीं कोई बंगाल लेते नहीं पैसा उसके कारण जाता है उसके कारण से आता है आत्मा के कारण से आता है न आत्मा के कारण से जाते नहीं आत्मा पैसा को छूते नहीं तो पैसा को आना लाना ये अपने से है नहीं उसकी पर्याय दो है न सभी द्रव स्व परिणाम पर्याय पैसा देखे में स्व परिणाम पर्याय अपना परिणाम की पर्याय से उत्पन्न होता है पैसा ऐसा ना किया सद्रव स्व परिणाम से उत्पन्न होता है कि सद्रव पर्याय से उठे था सद्रव परिणाम पर्याय से ऐसे पैसा उसका भाव उसकी पर्याय उसकी दशा जड़ के जड़ में चैतन्य के चैतन्य में आखिरी बात है भगवान अपने चैतन्य में कुछ भाव करे तो कार्य सिद्धि नहीं नहीं बिल्कुल झूठ है अपना कार्य ज्ञाता दृष्टा करे तो अपना कार्य की सिद्धि मुक्ति हो इतना जानना देखना कार्य करे राग द्वेष न करे और पर का अभिमान न करे पर का कार्य मैं कर सकता हूँ तीन काल में कोई परद्रव का कार्य कर सकता नहीं मेरे में राग आता है ये भी मेरा स्वरूप नहीं मैं तो जानना देखने वाला हूँ ऐसा ठहरते उसमें रहते तो उसको संबंध दर्शन ज्ञान होता है अने पीछे उसमें फिरते हैं तो चरित्र होता है संबंध दर्शन हुई पीछे पर संबंध दर्शन पर सब द्रव क्या करता हम नहीं कोई क्या करता हम नहीं शीश को मैं बनाया और दूसरा को मैं सुनाया तब उससे ज्ञान हुआ ये बात तीन काल में सच्ची नहीं उसका झगड़ा है कोई बनाए नहीं क्या कहते देखो कुम्भार का दृष्टांत देकर सभी लोग कुम्भार कुम्हार का दृष्टा है ना आखिर चल इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं पूर्व आखिर दो मिट्टी ही कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श न करती हुई मिट्टी कुम्हार को छूते नहीं स्पर्श करती नहीं अपने स्वभाव से कुंभ भाव से उत्पन्न होती है कुंभ भाव कुंभ रूपी भाव कुंभ रूपी पर्याय घड़ा रूपी भाव घड़ा रूपी पर्याय घड़ा रूपी परिणाम घड़ा रूपी परिणाम पर्याय उसकी कर्ता माटी है कुंभार नहीं तारू दिखू क्यों अभिमान अभिमान आत्मा को जानने देखने का कार्य करने वाला है ये जानने देखने का पर के कारण से नहीं
अपना स्वभाव में ज्ञान और दर्शन बराबर है, तो अपना अपने से और पर से, पर की अपेक्षा रखे बिना पर से अपने में अपना ज्ञान अपना करता है, पर का ज्ञान पर की अपेक्षा रखे बिना करता है। हा हा सूक्ष्म बात है भाई, वितराग मारंग हो। पर का जानना भी पर की अपेक्षा बिना, पर का करना तो नहीं, पर द्रव्य का कर्ता के भोगता तो नहीं, पर पर का द्रव्य का जानना वाला ये भी पर के काम से नहीं, ये अपने में जाने की ताकत अपने से होने से अपने में अपने को जानते हैं, अने पर संबंधी अपना ज्ञान होए ये अपना ज्ञान को जानते हैं, पर को जानना के नए व्यवहार है। हा 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 हा, बड़ी तकरार है जन सुन नहीं कहीं करी सके अपने चापड़ा नामो नाम हम भी लगते थे, हमारी दुकान थी ने पहले दुकान, हम भी नाम 5 वर्ष दुकान चलाई थी, सब भी मांग हम करते हैं हम करते हैं हम करते हैं, हमारी दुकान का सारा नामा में लिखते थे नामा साथ को, ऐसा पैसा आया नहीं सा गया, पर तो 63 से 68 तुम्हारा जन्म पहले 63 से 68 5 वर्ष 68 की दुकान छोड़ दिया, 68 की दुकान छोड़ी, दुकान है बड़ी दुकान है, अभी 40 लाख रुपया है, 4 लाख की आमदनी पैदा है, बड़ी दुकान है अभी। हाँ पर वो एक भाई भी आत्मा ला सके ने पैदा कर सकते तीन काल में नहीं। आत्मा दूध ने चा पी सकते हैं कि नहीं, उसका भाव आना जो वो छूट गया, उसका भाव क्यों आता है? भाव तो राग आता है ज्ञानी को, राग अपने से होता है, जो हम बातें करते हैं राग अपने से राग आता है, कर्म से नहीं प्रतीत से नहीं, उसमें मन बुद्धि लगी क्या? ये पर से नहीं अपने से होता है, उसमें मन बुद्धि लगी क्या? नहीं, नहीं अपने में मानते हैं अपना मैं कर सकता हूँ, वो कारण से अभिमान में रागपन होता है। पर का कर सकते नहीं, पर का और अपना काम दूसरा कर सकते नहीं, अपना काम गुरु अपना बोध कर सकते नहीं, गुरु अपना सम्यक दर्शन बना सकते नहीं। सता कल कब आया था गुरु न मुख्य वचन ऐसा मुक्ति का, ये अपने से है उनसे नहीं, गुरु के कारण से नहीं, अपनी अगर अपने में समझ में ले तो गुरु कहो उसके कारण से नहीं। यानी बात बहु भाई आए तो दृष्टांत कुंभार नो दे, अमृतचंद्र आचार्य मुनि कुंभार का दृष्टांत दिए कर बड़ी बात क्या है कि कुंभार मिट्टी को छूते नहीं, मिट्टी कुंभार को छूते नहीं, और मिट्टी अपना परिणाम पर्याय से घड़ा उत्पन्न होता है, कुंभार के कारण से बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार ये माया ने ये दृष्टांत आया ना, इसी प्रकार सब बदल जाओ अब सो परिणाम पर्याय से सिद्धांत सब द्रव्य कोई पण परमाणु कोई पण आत्मा निगोदगा लसुन ने डूंगली प्याज में आत्मा है तो कर्म से त्या है ऐसा है नहीं,
अपनी पर्याय का अपराध से क्या है, अपने कारण से क्या रहा है, कर्म के कारण से क्या है, ऐसा है नहीं। और आत्मा अज्ञान से राग विष करे तो कर्म बंधन हो, ऐसा है नहीं। कर्म बंधन कर्म बंधन से कारण से होता है, उसने राग विष किया माटी है कर्म बंधन हुआ, ऐसा नहीं। कर्म की पर्याय होने वाला परमाणु था तो उसे कर्म पर्याय हुई है, जीवे राग विष किया तो राग कर्म पर्याय हुई है, ऐसा है नहीं। सब दुनिया से दूसरी बात है भैया, एक ही एक बात सब झूठ है, सब चलते अहंकार मिथ्या। सुनकर भाई करते करते शुद्ध आत्मा का स्वरूप पहचान लेंगे, सबको यही करते करते शुद्ध आत्मा का स्वरूप पहचान जाएंगे। अंतर्जानी करे जाएंगे, पूछेगा कोई को पूछना है, ये तो अपने से अपने में आता है, कोई पूछने पड़ेंगे नहीं। पर का मैं करता नहीं, मैं तो अपनी पर्याय का करता हूँ, ऐसी जब नक्की हो तो पर्याय की दृष्टि से छोड़कर द्रव्य दृष्टि जो हो तो सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी होती है। इतनी शर्त है, अपने पर से बिल्कुल करता नहीं और पर से मेरे में कुछ होता नहीं, पीछे जो अपनी पर्याय में राग होता है ये भी अपना द्रव्य दृष्टि से जब राग डालते हैं नाश करते हैं तब नाश होता है। पंडित जी अभी बात है, आइया कुंभार नो दृष्टांत आकरो पड़े, एम के करो कुंभार भी ना बने, कुंभार बिना खड़ा हो जाता है, स्त्री बिना रोटी हो जाती है, पुरुष बिना नामा लिखने जाते हैं, सारा नामा लिखने वाला होशियार मानस हो तो बड़ा कलम से झूठ बात बिल्कुल झूठ है। कलम कलम से अक्षर नहीं पढ़ते हैं और कर्म कलम को हाथ नहीं हलाते हैं और हाथ को आत्मा नहीं हलाते हैं। आई बात है, सबसे कर्ता बुद्धि हटाकर अपने में राग द्वेष का हटाकर दृष्टि द्रव्य पर लेने से धर्म सम्यक दर्शन होता है, बाकी बिना कभी होता नहीं। यानी सम्यक दर्शन बिना चारित्र तीन काल में होता नहीं, कि भाई चारित्र नग्न हो या पंच महावत है ये तो मिथ्या दृष्टि है। पर का करता होता है न, अपनी पर्याय का पर का करने वाला मानते हैं तब लग तो वो मिथ्या दृष्टि है, सन्नक दृष्टि है नहीं। मुनि तो कहां से आया, मुनि भी नाम धारा कर पंच महावर परिणाम आता है आश्रव, उसका करता होता है तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि महावर्त का परिणाम आश्रव है, आश्रम ही दुखदायक है, दुखदायक का कर्ता मानते हैं, मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया, दुनिया थी दूसरी जाते हैं, हमारा गाथा तो अलोक की गाथा है, तरण से मोते। हमने आचार्य टीका कैसे किया है कि हम तुमको बता दिया कि कुमार से घड़ा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि माटी घड़ा को छूती है, माटी कुमार को छूती नहीं, वो कारण से कुमार से घड़ा उत्पन्न होता नहीं। घटो घट अपनी पर्याय परिणाम अपनी पर्याय देश समय की घट होने की, माटी का पिंड था उसमें घट होने की पर्याय का काल था तो घट हुआ है। ऐसे ऐसे सब दृष्ट, ये तो एक दर्शन दिया। कोने पड़ी से जगत मां अंदर नहीं
क्या जैसे मेरी नहीं अच्छी के क्या जैसे नहीं मेरे सूटी जैसे ले तो पच्ची पचा वर है अरे पचा पचा वर निकले अरे पचा तो निकलवाना नहीं नौ वर्ष मारी सब कोई कर हो जाएगा ले छोड़कर पर लोग क्या जाएगा कहीं पता नहीं उसकी दृष्टि में खबर नहीं दृष्टि में सन्नता नहीं दृष्टि में राग द्वेष का अभाव नहीं राग द्वेष का करता मैं नहीं राग द्वेष का पर का कर पर भी करता नहीं हा 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 पहले कुमार का भाव उस समय क्या था क्या कहते हैं कुम्भार नो भाव मैं करूँ अभी मान लिया मैं कुम्भार का भाव कड़ा करता हूँ ऐसा अभिमान है इनका कड़ा अहंकार कुम्भार पाप अहंकार रहा आया ने कब आया था मैं कब उसने आया था अहंकार आया था ना बीजा पैरिग्राम दूसरी नीति जिसमें घड़े को बढ़ाने के अहंकार से भरा हुआ है ये कब आया था जिसमें घड़े को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है ये पुरुष विद्यमान है पर उससे घड़ा बनता नहीं તારું ત્યાં દુકાન ચલાવી એ બધું આ કહ્યું પૈસા ભેગા કર્યા દૃષ્ટાંત હા દૃષ્ટાંત દર્શા આ દર્શન દયા ને દર્શાંતો ના આપણા પરિણામ સે આ ઉત્પન્ન હોતી રૂપી અંગુલી સે નહીં અંગુલી કા પર્યાય સે આ પર્યાય ઉત્પન્ન નહીં હોતી એ ભિન્તી છે અભિન્તી છે ભિન્તી સે ભિન્તી કી પર્યાય મેં કુછ હોતા નહીં સારા દૃષ્ટાંત દિવાસળી દિવાસળી क्या कहते हैं बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी पी सकते नहीं बीड़ी को छूते भी नहीं और अग्नि है वो बीड़ी को छूते नहीं अग्नि बीड़ी को छूते नहीं बीड़ी को आत्मा छूते नहीं यानी पर्याय क्या ने सब द्रव्य अपना परिणाम पर्याय से अपना परिणाम पर्याय से आखिरी बात से भाई एक करवट से लकड़ी का दो टुकड़ा होता है ऐसा होता नहीं ये लकड़ी में दो टुकड़ा होने का परिणाम पर्याय होने थी तो उससे हुई है करवट है नहीं करवट समझते ना करवट आई बात है चश्मा तड़ाया माटे दिख ही सके पहला न तो दिखते नहीं हम ना पड़े ये तो अपना परिणाम से पर्याय का उत्पन्न हुआ है चश्मा छूते नहीं ना अपने को हाथी छूते नहीं उसके काम से तो आया है उसकी पर्याय परिणाम से त्या आया है नाक के ऊपर भी रहा नहीं ये अपना में आधार के रहा है नाक के आधार भी रहा नहीं आवश्यकता क्या है तो रहने जरूर सोचे जरूर कौन कहते हैं लेते जरूर मानते नहीं लेते हैं पर एम अभिमान करते हैं मैं लिया मैं उसे लिया मैं उसे देखा ये मिथ्या अभिप्राय है मैं लिया मैं उसे देखा ये सब मिथ्या अभिप्राय
इससे क्या अक्षर में दिखा, अक्षर दिखा तो मेरे ज्ञान हुआ, वो भी मिथ्या अभिप्राय है। कोई द्रव्य की पर्याय, कोई द्रव्य की परिणाम पर्याय से उत्पन्न होती नहीं, ऐसा बे लिया है। इसी प्रकार सभी द्रव्य ना मचमान बाकी है, खाना पीना चलना बोलना हंसना होना सुना जागता पथारी करना, पथारी में सुन पथारी आत्मा कर सकते नहीं। आत्मा पुस्तक हाथ में ले सकते नहीं, होता है जानते हैं। जेनी बात से भाई दुनिया ने क्या पड़ी से मेरा क्या होगा, यहाँ भी छूटकर क्या जाऊंगा, मैं तो अनादि सत्ता चीज हूँ, अनादि सत्ता शाश्वत हूँ, तो आज शरीर छूटेगा तो क्या जाएगा, रे तो रहेगा तो खरा क्या जाएगा, कहीं पता नहीं। मैं किया ऐसा किया, अभिमान में नगर पशु होता है, पशु भैंस ने पाड़ा काढ़ा रागड़ा ने कुचरा होता है। आखिरी बात से प्रभु ते मांस ने ईंडा खाते न हो तो, मांस ने ईंडा खाते तो नरक में जाते हैं। अरे खर तो हो याद आया, जैन नाम धाराने को रात्रि भोजन न चाहिए। पंडित जी जैन को रात्रि भोजन न चाहिए, रात्रि भोजन में मांस आता है, पानी भी नहीं। हमारे तो 65 की साल से रात्रि का हर पानी का त्याग है, 65 की साल कितना वर्ष हुआ, 71 वर्ष हुआ, पानी नहीं, आहार नहीं, दवा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, रात्रि को बिल्कुल कोई चीज नहीं, दुकानों पर चलाते पर रात्रि को हम देते नहीं। रात्रि भोजन में गरम कढ़ी कहते ना, कढ़ी खिचड़ी चावल मगनी दाल होनी के खाते हैं, तो ऊपर झीणा 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 खुदा 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 होता है, छोटा दिखे नहीं, प्रकाश का प्रकाश एक खुराक। मेरे तो ऐसा हो गया था पहले ही, जब हसान को मार लेने देने अंधारा हो गया तो खा खाने को बैठे तो खिचड़ी के कटी के कहीं हत हूँ ऐसा, तो उसमें दीवार से दिखाएगा तो हम तो खुदा पड़ते हैं, गिणी जीवात आती है, तो मांस का खुराक है। जैन को रात्रि को भोजन होता नहीं। समझ में आया, ऐसे आचार अथाराम आचार में भी बहुत जीवात पड़ती है, बहुत जीवात पड़ती है। मीठा का पानी में रख रखते हैं तो खेरी गूंदा गुमार खा, मीठा पानी में मीठा क्या क्या लवण, तो उसमें जीव उत्पन्न होता है, ये भी खुन नहीं होना चाहिए। ये भी मेरे अनुभव हुआ तेजी तेजी एक व्रत पहले खाने को बैठे थे, आ लिया आ चल रहा है आसना, देखने को गई क्या खिला रहे आसना, तो बरणी हम तो 32 मानो था, दो बरणी थी भरी ने
उसमें राम आम जा मैं जो देखा कंथवा ऊपर का कपड़ा मैला होता ना, कपड़ा मैला होता है, हाथ मैला होता ना, कंथवा झीणा ये तो कंथवा पड़े अंदर, ये अथाणा लावे, ये अथाणा खोराक जैन को होता नहीं। ये खा सकते नहीं, पर भाव उसका है ना। भाव जो है भाव मिथ्या भाव है। खाने की पीने की क्रिया तो भिन्न है, पर उसका भाव है। आपकी बात से भाई, नहीं तो बहुत वर्ष है कहीं से क्या है जिंदगी में, कि पांच वर्ष व्यापार क्या है, बाकी एक वर्ष हुआ है। नेव और एक सौ में नव कम, तो आप सारी जिंदगी देखा है, ऐसा देखा है ऐसा। ओहो आई आचार महाराज टीका में कहते हो, टीका है, टीका में दो पैराग्राफ हो गया, तीजा पैराग्राफ है कि कुम्हार घड़ा को करते नहीं, माटी घड़ा को स्पर्शते नहीं, इसी प्रकार सभी द्रव्य स्व परिणाम पर्याय से, अर्थात अपने परिणाम भाव रूप पर्याय नाम भाव लेता, अपना परिणाम रूपी भाव दरेक आत्मा के दरेक परमाणु अपना परिणाम रूपी भाव उत्पन्न होता है, अपना परिणाम भाव से उत्पन्न होता है, पर से नहीं। हा हा होते हुए निमित भूत द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, निमित भूत द्रव्य हो तो क्या उसका स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभाव से हैं? प्रत्येक पदार्थ निमित जो है दूसरी चीज, उसकी पर्याय से परिणाम उत्पन्न होता है कि परिणाम अपने से होता है? परिणाम पर्याय अपने से होता है, निमित से नहीं। वितराग मार्ग परमेश्वर केवल ही का बहुत सूक्ष्म मार्ग। आप सब द्रव्य कोई द्रव्य दूसरा को छूते नहीं, गजब बात है, माने कौन? पानी अग्नि से ऊना होता नहीं, उष्ण, क्योंकि जल को अग्नि छूते नहीं। हा 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 नहीं, पानी उष्ण होता है अपने से होता है, अपने परिणाम पर्याय भाव से उत्पन्न होता है। पानी ठंडे में से उष्णता अपना भाव परिणाम पर्याय से उत्पन्न होता है, अग्नि से नहीं। आई बात, आखुरी करता ना अभिमान, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, उसको आवाज लक्षण पड़े है भाई। मार्ग ऐसा है, परमात्मा त्रिलोकनाथ है, सर्वगण देव का वो फरमान है, अनित्य फरमान न्याय युक्त है। सब द्रव्य जारे स्वतंत्र है तो सब द्रव्य पर्याय बिना तो रहते नहीं, कोई पण पदार्थ पर्याय बिना रहते नहीं, तो वो पर्याय बिना नहीं तो पक्षी उसकी पर्याय दूसरे बनाए बनाए कैसे बने? भगवान कहते तो ठीक, पर सब द्रव्य अपने परिणाम पर्याय बिना होता नहीं, तो परिणाम पर्याय उस समय में उससे हुआ है, दूसरा धर्म से परिणाम पर्याय उत्पन्न हुआ नहीं। विचार मांगे से भाई, बहुत विचार मांगते हैं। कहते हैं कि अपने परिणाम भाव से उत्पन्न होता है, निमित भूत द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभाव से? यदि निमित भूत द्रव्यों के स्वभाव से उत्पन्न होते हो तो उसके परिणाम निमित भूत द्रव्यों के
आकार नाम स्वभाव से होना चाहिए, अनिंद्रिय का स्वभाव से उत्पन्न होना चाहिए, पर इंद्रिय का स्वभाव होना चाहिए। हाँ प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ अपना पजना में से उत्पन्न हो और पर से उत्पन्न हो, तो पर का स्वभाव उसमें घुस गया। पर का स्वभाव से उत्पन्न हुआ तो ऐसा कभी होता नहीं, पर का स्वभाव कभी पर में जाता नहीं। गाथा भाई आखिरी से कुमकुंदाचार्य मोटी है, कुमकुंदाचार्य अन्न दबिए अन्न दबिए उत्पाद पार्षण है आनंद भी है आनंद भी न कि रही सुगुण उपाओ पर उत्पाद तम सर्वदा उपगंते सहावे क्या बाकी है। कुमकुंदाचार ने कड़ी गाथा ने तो महा दिगंबर मुनि भगवान पास रहे थे, 8 दिन रहे थे भगवान विराज थे। अब जो वर्ष का आयुष है करोड़ पूर्व का आयुष है प्रभु का विराजते हैं प्रभु समोसन में करोड़ पूर्व का आयुष है, तो एक पूर्व में 70,56,000 वर्ष जाते हैं। इतना अब जो वर्ष है भगवान है नहीं, अब जो वर्ष रहेगा कुनकुंदाचार्य 2000 वर्ष पहले गए थे यहाँ का शास्त्र बनाया। आनंद रविन्ना आनंद रविन्नो उत्पाद होता नहीं सिद्धांत, आनंद रविन्ना आनंद से पर्याय उत्पन्न होती नहीं, तो सर्वे द्रव्य पुता अपनी पर्याय से उत्पन्न होती है समय ते क्षण उत्पन्न होती। गजबात पहले क्या न हुआ लाकड़ा ना खटका पहले क्यों न हुआ, रोटी का टुकड़ा रोटी पड़ी क्यों न हुआ, न हुआ क्या प्रश्न। ये वक्त रोटी का भाव ये था मोटा माया भाव उसकी भाव की पर्याय वो ही, ये अपने ये राड़ से भी रोटी का टुकड़ा दो नहीं हुआ है, जो राड़ से हो तो डाढ़ी का स्वभाव डाढ़ का स्वभाव दांत का स्वभाव रोटी में करना चाहिए, दांत का स्वभाव रोटी में आना चाहना चाहिए एम कहते हैं। आधान पानी ने तो आंखों दी काम करे अहंकार 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 माँ कह एक डगनू पर भरते हैं कि तेरे से नहीं, ये तो जड़ पर्याय माटी के दूर अपने पर्याय से उत्पन्न पर्याय परिणाम पर्याय आ परमाणु का परिणाम रूपी पर्याय से ये उत्पन्न होती है। दाल चढ़ती है पानी में तो के पानी से नहीं, दाल दाल पानी से नहीं, पानी दाल को छूते नहीं, ये दाल का परमाणु अपना परिणाम से तीस समय पर्याय समय उत्पन्न होता है अपने परिणाम से, जो पर के होता है तो पानी क्या आना चाहिए उसमें पानी का थोड़ा घुस जाना चाहिए, पानी से भी दाल चढ़ती नहीं। अरे अभी बात है अभी अंदर के आकार से होना चाहिए, परंतु ऐसा तो नहीं होता क्योंकि अंदर के स्वभाव रूप से किसी धर्म के परिणाम का उत्पाद दिखाई नहीं देता। कुम्हार से गड़ा उत्पन्न होता है ऐसा दिखाई नहीं देता, अग्नि से पानी उन्न होता है दिखाई नहीं देता, स्त्री से दाल भात रोटी हुई हम दिखाई नहीं देता,
एम कहते हैं यहाँ है? जब उत्पन्न होते हैं, हाँ, जब के ऐसा है तो सर्वद्रव्य निमित्त गुण अंदर में उनके स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। बहु गाथा सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ परमात्मा का देव ध्वनि है। कोई द्रव्य निमित्त द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता, परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है, तेते समय ते परिणाम, तेते परिणाम का स्वभाव से उत्पन्न होता है। पहला क्यों न हुआ, पहला दूसरा था, ये बच्चा तीसरा हुआ। जे समय उत्पन्न होना है, ये समय उत्पन्न होता है, पर से नहीं। दाल ने घड़ा मारा करो तो चढ़ती थे, पानी में ना के तो चढ़े, ऐसा है ही नहीं। ये दाल का परमाणु की चढ़ने की पर्याय अपने में उत्पन्न होने वाली थी तो क्या आया दाल, पानी से उत्पन्न हुआ नहीं। चोखा न चावल न खिचड़ी ने पानी निमित्त तो हुआ ना, निमित्त का अर्थ क्या, निमित्त एक चीज है उससे हुआ नहीं। निमित्त का अर्थ एक विद्यमान चीज है, तो पहले कह गया विद्यमान वस्तु है, समझ में आया। विद्यमान होने पर भी उससे होता, विद्यमान तो अनंत विद्यमान है, पदार्थ तो जगत में अनंत विद्यमान है, एक पदार्थ का परिणाम है अनंत विद्यमान पदार्थ अनंत करते हैं। एक द्रव्य जो करे दूसरा द्रव्य करे दूसरा द्रव्य अनंत करे, तो अपनी अपनी सत्ता तो रही नहीं अपना भाव की, अपना उस समय में भाव ने पर्याय करने की ताकत तो रहे नहीं। हाँ ऐसा है नहीं, ऐसा भावना करने से झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा ना, ऐसी भावना करने से संसार में झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा संसार में भी नाश होता है भैया संसार का नाश हो जाता है, चार गति में रुकने का रुक जाता है, झगड़ा बंद हो जाता है। परंतु अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का दरेक द्रव्य का परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। क्या किया, दरेक द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से, अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है। आचार्य कहते देखने में तो हमको आता है, पानी होना अग्नि से हुआ इतने देखने में नहीं आता, पानी होना है अपने से ये देखने में हमको आता है। वितराग महाराज सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिकाल ज्ञानी परमात्मा एक समय में तीन काल तीन लोग देखा, उसकी सहेली अलौकिक है, ऐसा कोई मार्ग जगत में है ही नहीं। सर्वज्ञ परमेश्वर कहा ऐसी चीज क्या है ही नहीं, सबे सब गप्पा ने कल्पना सब किया है। ये बात सांभता है, नति ने ईश्वर करता ना ईश्वर करता ना ईश्वर विजा पांडुर वाले नहीं है, बोले पंडित आए के पंडित पांडुर हलते अपने जनता है ईश्वर से नहीं, पर से दूसरा हाथ में जाते हैं उससे भी नहीं संसार में हम थे ना, तो समय चंद्र राम ग्राम था, तो हम गजड़े स्वामीनारायण का हमारा मंदिर है, चंद्र ही थे,
तो ये लोग को सब खबर है क्या दिखा देने का, तो ये बोले है कि ईश्वर बिना पांडव चले नहीं। मुझे एक एक परमाणु ईश्वर है, पांडव में तो अनंत परमाणु है, एक एक परमाणु अनंत गुण का ईश्वर है, अपना ईश्वरता परसेंट रहता है ऐसा है ही नहीं। अचारे तो गड़बड़ हाली समझी। क्योंकि द्रव के अपने स्वभाव रूप से द्रव के परिणाम का उत्पाद देखने में आता है, ऐसा होने से सर्वद्रव अपने स्वभाव को उल्लंघन न करके एक सर्व पदार्थ अपना स्वभाव को छोड़ते रहें, उल्लंघन करते रहें। सर्वद्रव अपने स्वभाव को उल्लंघन न करते होते होने से निमित भूत अनद्रव्य अपने सर्वद्रव्य के परिणाम का उत्पादक है ही नहीं। निमित भूत चीज उसके उत्पादक है ही नहीं, निमित है, निमित विद्यमान है, पर निमित से पर में कुछ होता है ये बात नहीं। निमित वस्तु नहीं, ऐसा नहीं, निमित है उपादान, निमित दो ही चीज है, काम उपादान से होता है निमित से नहीं, निमित भी उपादान है ना उसका, आने अपेक्षा उसका निमित, पर निमित उसके अपेक्षा उपादान है, तो उसकी प्रिया उसके कारण से होती है, आने कारण से आई होती है। कार्य होने पर छूट भी जाता है, कार्य होने पर निमित छूट भी जाता है, दूसरा निमित्त है, ये निमित्त छूट जाता है, दूसरा निमित्त आता है दूसरी पर्याय में, ये निमित्त से होता नहीं, निमित्त बदल जाते हैं। पहले रोटी थी एक अंदर ये थाली में आई, क्या रोटी बदल गई है, पर ये बदल गई, ये तो अपने से बदल गए। सर्वद्रव्य ही निमित भूत अन्य द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए देखो भाषा, हाँ बहु अलौकिक बात है, चीजें कथन हो, कोई द्रव्य कोई द्रव्य को छूते नहीं, अंगुलिया कपड़ा कानों को छूते नहीं, बूंदर कागल को छूते नहीं, खिली लकड़े में पैसती नहीं, खिली खिले कहते हैं खिली होती है, थोड़ा वे अंदर गरीय नहीं है, अंदर कानू पीड़ियो खीली से काना नहीं पड़ा है, ये लाकड़ा का परिणाम का पर्याय उत्पन्न होने के समय ऐसा होता था, निमित्त के आदि हो तो निमित्त से होता नहीं। सर्वद्रव्य निमित्त भूत अनद्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए ठीक, कोई द्रव्य को स्पर्श नहीं करते हुए छूते नहीं, हम कहते हैं कोई द्रव्य छूते नहीं, अंगुली उसको छूते नहीं, अंद्रव्य के स्वभाव को स्पर्श न करते हुए अपने स्वभाव से अपने परिणाम भाव रूप से उत्पन्न होता है, दरेक दरे अपना परिणाम बाप से उत्पन्न होता है, पर को स्पर्श करते नहीं।